प्रदेश में भी क्रॉस वोटिंग से खतरे में सुक्खू सरकार। कांग्रेस के 9 से 10 विधायकों ने बीजेपी को किया वोट। नतीजों के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में बीजेपी। राज्यसभा के लिए वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी विधायक मनोज पांडे का मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा। सीएम योगी से मुलाकात। अखिलेश बोले, भागियों पर करेंगे कार्रवाई। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए राज्यसभा चुनाव की पूरी जानकारी क्या मिल रही है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप ये जानिए कि 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटें ऐसी जिस पर मतदान होना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, हिमाचल, कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग की आशंका है। उत्तर प्रदेश में 10, हिमाचल प्रदेश में 1 और कर्नाटक में 4 सीट पर वोटिंग है। यूपी में 10 राज्यसभा सीटों पर 11 उम्मीदवार मैदान में है। हिमाचल प्रदेश में 1 राज्यसभा सीट पर 2 उम्मीदवार है। कर्नाटक में 4 राज्यसभा सीटों पर 5 उम्मीदवार हैं। 12 राज्यों में राज्यसभा चुनाव की नौबत नहीं आई है। 56 राज्यसभा सीटों में 41 उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं। गुजरात से JP नड्डा, राजस्थान से सोनिया गांधी निर्वाचित हुई हैं।